श्रावस्ती में उस समय सनसनी फैल गई जब खेत की रखवाली करने गए बुजुर्ग के हत्या की सूचना ग्रामीणों को हुई। लोग बताते हैं कि रोज की तरह आज रात को भी मिठूलाल नाम के बुजुर्ग खेत की रखवाली करने गए थे, तभी रात में अज्ञात हत्यारों के द्वारा बुजुर्ग किसान की गला काट कर हत्या कर दी गई। मामला श्रावस्ती जिले के एकौना थाना क्षेत्र के दिननामगढ़ गांव के रहने वाले मिठूलाल नाम के 60 वर्षीय बुजुर्ग किसान की है, जो अपने घर से गांव के बाहर मौजूद खेत की रखवाली रोज की तरह आज रात को भी करने गए थे, जहां पर देर रात अज्ञात हथियारों के द्वारा बुजुर्ग की गला को धारदार हथियार से काट कर बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर किसान मिठूलाल की शव को खेत में ही फेंक दिया। जानकारी के अनुसार ग्रामीणों के द्वारा एकौना थाना पुलिस को बुजुर्ग किसान के हत्या की सूचना दी गई, जिसके बाद स्थानीय पुलिस के साथ जिले की एसपी प्राची सिंह और फॉरेंसिक टीम घटना स्थल पर पहुंची, जिस दौरान जहां पर पुलिस के द्वारा मृतक मिठूलाल के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, वहीं फॉरेंसिक टीम के द्वारा हत्या की खुलासा के लिए घटना स्थल से साक्ष्य एकत्रित किया गया। क्या हुआ है आपके गांव में? मर्डर हो गया है। किसका? मिठूलाल। इनकी उम्र क्या है? लगभग 55-60 साल। इनके पिताजी का नाम? बैजनाथ। क्या कर रहे थे यहाँ खेत में? यहाँ जो है ना खेत की रखवाली कर रहे थे। हम यहाँ पूरे दिन नामगढ़ में एक बुजुर्ग की लाश खेतों में पड़ी हुई है, गर्दन कटी हुई लग रही है। थाना इकौना अंतर्गत ये गांव पड़ता है पूरे दिन नामगढ़ चमारनपुरवा में। यहाँ पे हम लोग को सुबह 8:30 बजे सूचना मिली थी कि कोई बुजुर्ग व्यक्ति है जिसकी डेड बॉडी यहाँ खेत में पड़ी हुई है। सूचना पे तत्काल थाना प्रभारी सीओ एडिशनल एसपी और मेरे द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया है, तो वहाँ पे एक लगभग 60 वर्ष के बुजुर्ग हैं जिनका नाम मिठू लाल है, इनकी डेड बॉडी है और इनके गले में कट का निशान भी है। फॉरेंसिक टीम हमारी आ चुकी है, इसमें हम लोग जाँच कर रहे हैं और जल्दी तहरीर लेके इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी।